नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। हमने पिछले बार वीडियो बनाया था और आप में से काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, वीडियो बनना चाहिए। तो 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का जो सप्ताह पूरा रहेगा वो कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ रखनी होगी सावधानी, कौन से दिन हम करें काम जिससे हो हमारा बेहतर कल्याण। तो 15 तारीख को जो आप आरंभ कर रहे हैं, दिन आएगा रविवार का, सूर्य नारायण का दिन आएगा और चंद्र महाराज स्वाति नक्षत्र में होंगे। स्वाति मतलब काट के अलग कर देने वाला, स्वाति मतलब ऐसी वस्तु जिसको, या ऐसा कांच, ऐसा कोयला जिस पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है और वह हीरा बन जाता है। स्वाति मतलब फालतू चीज़ों को काट के डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, सही से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। तो इसी दिन से आरंभ हो रही है नवरात्रि। ये नवरात्रि जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। नौ की संख्या अपने आप में संपूर्णता को लेकर चलती है। नवग्रह है हमारे, नवरात्रि है और नौ माह में ही हमारी उत्पत्ति होती है, जो पूर्णता की बात है। तो इसलिए नवरात्रि के दिन आप पुरानी चीज़ों को काट के अलग करके नई चीज़ों के सृजन के लिए बढ़ेंगे। रविवार का दिन है और सूर्य नारायण धीरे से स्वाति नक्षत्र की ओर प्रवेश भी करने वाले हैं, इसलिए सूर्य नारायण पे नकारात्मक असर ना पड़े, इसलिए शक्ति आराधना में अपने आप को ले जाइए। घट स्थापन का दिन है, तो घट, घट माने शरीर, एक घट हम स्थापित करते हैं जो पूजा पाठ के लिए होता है, एनर्जी को एकत्रित करने के लिए। और वैसे भगवान के द्वारा बनाए हुए घट हम आप हैं, इसलिए एनर्जी अपने अंदर संग्रहित करना है। तो रविवार का दिन पूजा पाठ के लिए है आपके। रविवार का दिन धर्म के कार्य करने के लिए अवश्य करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, और बंधु बांधवों को धर्म से जोड़िए। बांधवा धर्मम नियोजिते, सबको धर्म के साथ जोड़ के रखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो इस दिन घट स्थापन करना है, देवी की आराधना करना है, क्योंकि शक्ति ही तो है जो सब कुछ बदल सकती है। भगवान शिव आदिशक्ति जगदम्बा से अलग होने के बाद रुदन किए। दरअसल वो क्या, एक स्त्री के ख़त्म होने पे उन्होंने रुदन किया। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो बिल्कुल आप गलत महसूस करते हैं। जो भगवान की, शिव की शक्ति, जो एनर्जी थी वो टूट गई, खत्म हो रही है, इसलिए भगवान शिव, क्योंकि वो निर्माण करने वाले हैं, तो उसको इस रूप में लीजिएगा। तो माता रानी हाथी पे आ रही हैं, सौभाग्य का प्रतीक लेके आ रही हैं, सौभाग्य का प्रतीक लेके आ रही हैं। तो धार्मिक कार्य आप करते हुए आगे जाएंगे। रविवार का दिन खुशी रहेंगे। थोड़ा बीच में कुछ लोग जो है टीका टिप्पणी करेंगे, उनको एक मंत्र मेरा है इग्नोर आय नमः, इग्नोर करते जाइएगा, क्योंकि सबको उत्तर देना ठीक नहीं है। सोमवार का दिन, चूँकि वह आपके लिए ऑफिस में जाने का दिन रहेगा, विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, स्टार्टिंग में आप प्रेयर करके निकलिए। भगवान शिव का दिन है और द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा पाठ करके निकलिए, दिन आपका बेहतर होगा। आपके अंदर दो कामों को एक साथ करने की अद्भुत क्षमता होगी इस दिन। लेकिन क्या है, एकाग्रता भी भंग होगी, थोड़ी सी एकाग्रता भी भंग होगी। तो अगर आप इस दिन कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रातःकाल ही क्या करिएगा, जाने के पहले अपने गुरु को प्रणाम करके जाइएगा, येलो कलर का चंदन मस्तक पे कंठ में नाभि में लगा के जाइएगा, एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। यह दिन एकाग्रता में थोड़ा सा खलल डालने का है, पूजा पाठ में मन लगेगा, आध्यात्म में मन लगेगा, दिन आपका बेहतर जाएगा। मंगलवार का दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आपको करना चाहिए और इस दिन जो आराधना उपासना के लिए नक्षत्र है वो नक्षत्र आ रहा है जिसका नाम है अनुराधा, श्रेष्ठ दिन आपको जाएगा। स्टार्टिंग क्या करिएगा, हनुमान जी की आराधना करके कुछ करिएगा, क्योंकि वर्तमान में शक्ति के जो स्रोत हैं वो हनुमान जी ही हैं, ठीक है ना। शनि का नक्षत्र है लेकिन मंगलवार के दिन आ रहा है, इसलिए हनुमान जी की आराधना करके बढ़िएगा, दिन अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको पूजा उपासना आराधना करने का मौका मिल रहा है। कोशिश करें, अगर आप व्रत रहते हैं तो ठीक है, व्रत नहीं रहते तो कोई बात नहीं। व्रत हम इसलिए रहते हैं कि खाना खाने के बाद निद्रा आती है और निद्रा करने के बाद प्रमाद आता है, प्रमाद आने के बाद फिर हमारी बुद्धि धीरे से खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम अन्न का परित्याग करते हैं। किसी ने एक और प्रश्न मुझसे किया था कि क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं। खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पॉइंट क्या है कि जब आप कोई व्रत करते हैं, इस पॉइंट को समझिएगा, हमारे तथाकथित जो बड़े, क्या कहूँ मैं ऐसे धर्म गुरुओं को देखा हूँ जो मतलब किसी ने कहा कुत्ते के पेशाब से पैदा हुआ है और
फालतू फालतू लोग बातें करते हैं, नहीं, क्योंकि यह लहसुन प्याज तामसिक चीज़ है, तो ये हमारे शरीर में तमस पैदा करता है और तमस हमें पूजा पाठ से दूर ले जाता है, इसलिए हमारे शास्त्रीय विधान में लहसुन प्याज को खाने से मना किया गया है। लेकिन तमस क्या है? आप इंद्रिय सुख में 24 घंटा डूबे हुए हो, आपके विचार में इंद्रिय सुख चल रहा है और आप बोलते हो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। नहीं जी, ढकोसला मत करिए, परमात्मा ने हमें आपको बहुत सरल बनाया है, सरलता के साथ जुड़िए, परमात्मा से जुड़ जाएंगे अगर, इसलिए प्याज लहसुन खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, 9 दिन आप आराधना उपासना में हैं तो भाई ना खाएं, क्योंकि यह तमस पैदा करेगा, आपके विचारों में काम को प्रवेश कराएगा, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी जो, जैसे आप पूजा पाठ करना शुरू करेंगे तो परेशानी क्या होगी, जैसे आप पूजा पाठ करना शुरू करेंगे थोड़ा सा ध्यान में जाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर जो एनर्जी आपके नाभि चक्र से ऊपर उठनी चाहिए वो एनर्जी नाभि चक्र से नीचे जाना शुरू हो जाएगी, तो कामों तक विचार आएंगे। आप माता की आराधना कर रहे हैं लेकिन आपका जो दिमाग बेवजह जो है और चित्रों पे जाएगा, तो आपके मन में डर हो जाएगा, इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि इस समय आपको प्याज लहसुन से परित्याग करना चाहिए। तो मंगलवार का दिन अनुराधा नक्षत्र का है, चंद्रघंटा माता का दिवस है, उनकी पूजा आराधना करके चलिए, मंगलवार का दिन भी आपके लिए बेहतर जाएगा। बुधवार का दिन ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन आपकी मेधा शक्ति, आपकी बुद्धि शक्ति, तर्क शक्ति प्रबल होगी। बुधवार के दिन आपको किसी से मिलना है, किसी को कन्वेंस करना है, किसी को कन्वेंस करना है, अपनी बातों को मनवाना है, अपने प्रोजेक्ट किसी को दिखाना है, आप ज्येष्ठा नक्षत्र में दिखाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। सुंदर परिणाम के लिए माता कुष्मांडा की पूजा करके निकलिए, नहीं कर सकते तो ओम गम गणपतये नमः कह के घर से निकलिए, बेहतर होगा। प्रातःकाल नंगे पैर 5 से 7 मिनट हरी घास पे चलिएगा, दिन सुंदर होगा। गुरुवार के दिन मतलब 19 तारीख के मूल नक्षत्र आ रहा है, मूल केतु का नक्षत्र, मूल परंपराओं से जुड़ने का नक्षत्र है, मूल कहता है आप परंपरा से जुड़ के रखिए, अपने वैल्यू को ध्यान दीजिए, राष्ट्रीयता को ध्यान दीजिए, अपने जो कुल परंपरा में पैदा हुए उस गौरव को ध्यान दीजिए। यह दिन पितरों के निमित्त है और इस दिन स्कंद माता का दिन है। किसका है? स्कंद माता का दिन है। कोशिश करूंगा एक वीडियो स्वतंत्र बनाने के लिए नवरात्रि पे कैसे कैसे करें। तो गुरुवार को आप मूल चीज़ों से जुड़ रहे हो। अब आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके जड़ में जाके पहले पता कर लीजिए कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, कहाँ फिनिशिंग हुई है। कभी कभी हमें पता होता है कि प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसको भूल जाते हैं। तो कोई भी काम करिएगा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप घर से निकलते समय थोड़े से अपने पितरों को प्रणाम करके निकलिए, आप कुल देवी देवता को प्रणाम करके निकलिए। अगर नहीं याद है तो कुल देवी देवता का नाम लेके उनको ऐसे ही प्रणाम करके निकलिए, बेहतर होगा। घर में आपके जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करके चलिए, गुरुवार का दिन बेहतर परिणाम देगा। शुक्रवार का दिन देखें, 20 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र है, माँ कात्यायनी का दिन है। किसका दिन है? माँ कात्यायनी की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। तो शुक्रवार का दिन आपके कुंडली में जो चंद्र महाराज का गोचर है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, अब देखिए ये जो है मूल है पूर्वाषाढ़ा, आपके धन भाव में चल रहा है, तो यहाँ से आप धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छे जाएंगे, परिवार की समृद्धि के लिए जाएंगे, परिवार में सुख सुविधा के लिए कुछ नया आइटम लाने का दिन है। पूर्वा शुक्रवार के दिन पूर्वाषाढ़ा दिन में कुछ नया आप लेके आ रहे हैं, क्या करें जिससे दिन बेहतर हो? कुछ मत करिए। प्रातः काल उठिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः करिए। आप प्रातः पर्डे कैसे कपड़े पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं, इस दिन थोड़ा मेंटेन कपड़े पहनिए। घर से निकल रहे हैं थोड़ा परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह मार के निकलिए, बेहतर परिणाम मिलेगा, दिन सुंदर जाएगा। शनिवार के दिन फिर आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मिलेंगे, दिन तो शनिवार का है लेकिन नक्षत्र शनि के पिता सूर्यदेव का है, शनि के पिता सूर्यदेव का। तो पॉइंट क्या कहता है कि आपको ऑफिस में काम कराना है तो नीचे वाले को पकड़िए ऊपर वाले तक पहुंचा देगा, किसी सीनियर अधिकारी से मिलना है उसके पीए से या वहाँ के जो चपरासी हैं उनसे मिल लीजिए, वो आपको वहाँ तक पहुंचाएंगे और आपका काम बना देंगे। तो पूर्वाषाढ़ा का दिन जो है प्रसन्न रहने का दिन है, उत्तराषाढ़ा मतलब बाद में प्रसन्नता, बाद में सफलता प्राप्ति होने का दिन है। तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर परिणाम दे के जा रहा है। यहाँ पर अच्छा ये हो रहा है कि आपके जो सूर्य नारायण हैं वो मंगल के चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए यह बेहतर होगा। आवश्यक यह भी है कि आप अपने एनर्जी को कनेक्ट करें, इसलिए कि सूर्य नारायण अभी स्वाति नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो जितना वहाँ पे परेशानी है उसके पहले एनर्जी को कनेक्ट करके रखिए। ये जो नवरात्रि है ना, ये क्या है हमारे लिए? रिचार्ज पॉइंट है, सीधा सीधा बोलें तो रिचार्ज पॉइंट है। 4 नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि।
तो ये 90 दिन का रिचार्ज है, 9 दिन पूजा करिए, 9 दिन आराधना करिए, 90 दिन बिल्कुल रिचार्ज होकर चलिए। नॉर्मल पॉइंट में समझा रहा हूँ, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सप्ताह आपके खुशियों का है, यह सप्ताह आराधना का है, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो जय माता, जय जगदम्बा।